तो जो तो क्या आप सभी प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ पेंडिंग ही दिखा रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो भी नेटा बेसर चले टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंटर के। बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक हम रखते हैं 30, उम्मीद है आप सब पूरा कर दोगे। और आपके जानकारी में बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है प्रमोशन में भाग लेने के लिए आपको हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो में एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को आपको फर्स्ट कमेंट करना है। फर्स्ट कमेंट कैसे कर सकते हो, कई लोग ये सोचेंगे कोड तो शुरू में रहेगा या फिर लास्ट में रहेगा, तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन जाए कुछ भी आपको कमेंट कर देना है, उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वहाँ पर जो कमेंट जो भी आपको कोड देखेगा उस कोड को आपको एडिट करके आपको कमेंट कर देना है। इससे आप फर्स्ट कमेंट भी कर सकते हो और आप जो है विनर हो सकते हो। अगर आप विनर हो जाते हैं तो आपके वीडियो कहानी का मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। तो चले चलते हैं टॉपिक के और तो दोस्तों प्ले स्टोर में आप जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो वहाँ पर सिर्फ पेंडिंग ही बता रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको ऐप्स पर चले जाना है। ऐप्स पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर ऐप्स ऑल ऐप रहेगा आपके मोबाइल में, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके मोबाइल में जितने एप्लीकेशन होगा सब के सब यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पर सर्च करना है आप प्ले स्टोर, या फिर आप नीचे जाके इस तरीके से आप जो है यहाँ पर प्ले स्टोर ढूंढ सकते हो, या फिर आप सर्च कर दो या फिर आप इसको ढूंढ लो। तो हमारे यहाँ पर प्ले स्टोर आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर स्टोरेज, उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर डाटा, क्लियर कैच, तो आपको इन दोनों को आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। इस पर क्लिक करने से आपका ना ही कोई आईडी उड़ेगी ना ही कुछ होगा, बस आपकी हिस्टोरी जो है वो उड़ जाएगा और आपका प्ले स्टोर जो है वो नया हो जाएगा। और आप इस तरीके से आप अगर आप कर लेते हो तो आपके प्ले स्टोर जो है वो सही हो जाएगा और आप जो है प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पेंडिंग बता रहे तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी प्ले स्टोर में ऐसा पेंडिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरीके से आप जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इस वीडियो में जो है प्रमोशन वाला कोड मिल गया होगा तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यूट्यूब से लेटर और टेक्निकल भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को।